वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब्दुल्ला मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं, और इनकी टिप्स पे हम अमल करते हैं और देखते हैं कि हम अपने घर को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पर अब्दुल्ला बात करने चले हैं, और वो है रूफ टॉप्स, छत। छत सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए, या धूप में कपड़े सुखाने के लिए, या धूप सेकने के लिए इस्तेमाल, बहुत से और कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसको भी आप एक यूनिक सिग्नेचर स्टेटमेंट बना सकते हैं, यह हमें बताएंगे। अब्दुल्ला मंसूर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। चाहे चार मरले का छत हो जी, चाहे कनाल का, सब पे चलेगा? सब पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा जी, क्या सीन है? तौसीक, बस जो भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उससे जो है थोड़ा सा उसको कनेक्ट किया जाए, जिसके साथ बाकी के लोग भी रिलेट कर सकें। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्ट्स का, उनको एक स्पेस चाहिए थी क्रिकेट खेलने के लिए, और अब चूँकि मौसम इतना खुशगवार है तो वो सारे के सारे क्रिकेट स्टेडियम जो थे वो बुक हुए हुए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते ढूंढते पता चला कि लोगों ने अपने छतों के ऊपर भी वो क्रिकेट स्टेडियम बनाया, छोटा सा एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ। रियली? पिच लगाई बनाई हुई है, उसके साथ जो है वो नेट लगाया हुआ है ताकि बॉल जो है वो कहीं बाहर ना जाए। फील्डर पीछे सड़क पे खड़े होते हैं नीचे? नहीं, वो भी सारे छत पे ही खड़े होते हैं, तो वो जितनी स्पेस होती है उसी में ही वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन भी हो जाता है, आपको एक जगह भी मिल जाती है, और रूफ का एक इस्तेमाल भी हो जाता है। तो छक्का पड़े तो बॉल लेके कौन आता है? वो नेट लगा हुआ होता है ना, तो वो बॉल वहीं रहती है आपकी। ओह नाइस, जी जी जी, इंटरेस्टिंग। तो उससे मुझे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया, और आई वाज सो हैप्पी टू सी कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और रूफटॉप्स को हम उस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैंने फिर कहा कि इसके ऊपर सेगमेंट करना चाहिए, और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आपको पता है, लोगों को कबूतरों का भी बहुत शौक होता है। एग्जैक्टली, वो मैं मिस कर गया था। जी जी बिल्कुल, तो उनका भी बहुत शौक होता है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कपड़े सुखाने के अलावा, कबूतर रखने के अलावा, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो लो जी, घरों की छतों पे क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं उसको डेकोर करने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए, ये है आज हमारा सेगमेंट। बढ़ेंगे पहली तस्वीर की जानिब और देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो स्टार्टिंग इमेज जो है ना वो इसको रखा है। मुझे याद है मैं छोटा सा था और ये बुर्जुल अरब नई नई बिल्डिंग बनी थी। हाँ। और ये इमेज जो है ना वो इंटरनेट पे वायरल होना स्टार्ट हुआ था, और मैं इतना फैसिनेट हुआ था इससे कि किस तरीके से इतनी टॉल बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने एक ये छोटा सा जो है वो टेनिस कोर्ट बनाया है। तो और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने खेला भी था गेम, और वो सब कुछ था। ये अभी भी चल रहा है? ये इसके बारे में मुझे जरा चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे होगी। लेकिन उस जमाने में आर्किटेक्चर की दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा। बिल्कुल ऐसा ही था कि इतने हाइट के ऊपर आप इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। सो यहाँ से जो है ना वो एक चीज़ सिलसिला शुरू होता है, और फिर लोगों ने डिफरेंट वक्तों में चीज़ों को अडैप्ट किया, वो सब कुछ किया। बट मैंने कहा कि चूंकि अब हमारे जो स्टार्टिंग स्लाइड है थोड़ी सी एपेटाइजर ऐसा होना चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, तो हमने फिर मैंने उस इमेज से किया। अच्छा जी, अगला इमेज क्या है? नेक्स्ट वाली स्लाइड की तरफ जाएं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि चाहे हम कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहें अपने रूफ पे, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई छोटी सी प्लांटेशन करके अपने अंदर के कमरों का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहें और एक ग्रीन रूफ बनाना चाहें, तो छोटी से चीज से लेके एक बड़ी सी एक्टिविटी जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकती है, किस तरीके से जो है ना वो हमारी छत का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घास लगाएंगे तो सेम तो आएगी, इसका प्रॉपर तरीके होते हैं, तो उसमें जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, तो ऐसी ये इमेज जो है ना ये हमारे रावलपिंडी का इमेज है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी उनके पास एक ये छत थी उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो इसको कर लिया, और ये अच्छा, ये छत है? जी जी, ये छत है, उस पर उन्होंने ये सारे का सारा वो स्ट्रक्चर से एक बना के और नेट लगा के एक छोटी सी ना पिच सी क्रिएट कर लिए, वो कर लिया। एक्सीलेंट, और आप शॉट मारेंगे तो बॉल जाएगी भी नहीं कहीं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा कमर्शियल रेवेन्यू का जरिया भी है, लोग इससे काफी सारे पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छा, यानी इसको रेंट पे देते हैं? रेंट पे देते हैं, कंपनीज लेती हैं। जी, तो डे टाइम है तो आप उसमें खेल सकते हैं, रात में आप कह रहे हैं अभी देखें सारी जो लाइट्स उन्होंने लगाई हुई है वो जल रही है और लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये उसका दिन के वक्त का मंजर है जब उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही थी, तो इसमें देख सकते हैं कि जी वो एक पिच सी है और उसके अंदर हम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब वो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो तो एक हमारा पहलू हो गया जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो हमने देखा है कि जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा होता है उसको तो लॉन मिल जाता है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पे होता है उसके पास छत होती है। तो अगर छत को हम थोड़ा सा कोई उसके साथ पूल बना दें, अगर हम किसी गर्म जगह पे रहते हैं उसका इस्तेमाल हो, तो एक ये काफ़ी अच्छा और
इंटरेस्टिंग किस्म का एलिमेंट बन सकता है और देखने में भी कितना खूबसूरत देखने में भी करता है, और उसके इर्द गिर्द आपकी सिटिंग एरिया भी आ जाता है। तो अगेन आपके पास अगर ज़मीन पे आपको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जो ज़मीन है आजकल जो उसकी प्राइसेस और कॉस्ट है वो तो कहाँ चली गई है, तो आप अपनी छत को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 4 मरले की हो 5 मरले की हो, तो छोटा सा ये एलिमेंट और फीचर बना के आप इसको जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, अच्छी अच्छी ऑप्शन और मशवरे मिल रहे हैं आज हमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, अनदर जो आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल वो फार्मिंग का है। तो लोग छोटे छोटे से जो है ना वो क्रेट्स के अंदर, कोई पॉट्स के अंदर जो है वो कोई अब जो है वो टमाटर उगा रहा है, कोई हरी मिर्चें निकाल रहा है, कोई हरा धनिया कर रहा है। तो जो फार्मिंग है, रूफ़ फार्मिंग, ये वाला जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वेदर किस तरह का है, क्लाइमेट किस तरह का है, कौन सी सब्जी या फ्रूट वहाँ पे ज़्यादा सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो वो आपको कर सकते हैं। और राइट साइड वाले इमेज पे देखें तो उन्होंने तो पूरा का पूरा एक कमरा सा बना लिया है। एग्जैक्टली, वर्टिकल फार्मिंग करते। एग्जैक्टली, सिटिंग स्पेस कितनी इंटरेस्टिंग है, और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, अपना किचन गार्डन के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा दोस्ती, और सिटिंग एरिया जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि हम जो है ना कोई एक्टिविटी जब जनरेट करते हैं तो उसके साथ कोई ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि लोग वहाँ पे बैठ सकें और जगह को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, दोनों छतें हैं जी? ये दोनों छतें हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जिसको प्राइवेसी चाहिए तो उन्होंने एक छोटी सी ना वो वुडन स्क्रीन सी लगा के उसके ऊपर प्लांटर्स लगा लिए, और बड़ी कंफर्टेबल किस्म की सीटिंग है, कोजी सी, कि आप वहाँ पर जाके जो कर सकें, बैठ सकें, और साथ में एक अम्ब्रेला भी रखी हुई है ताकि अगर सूरज ज़्यादा है तो और आपको शेड की ज़रूरत है तो वो अम्ब्रेला आपको प्रोवाइड करिए। और जो दूसरे साहब है उन्होंने तो पूरा का पूरा डाइनिंग रूम अपने छत के ऊपर ले गए वो। एग्जैक्टली, तो मुझे अंदरून लाहौर जहन में आ रहा है इस वक्त, जहाँ पे पुराने घरों की छतों पे इस वक्त बहुत कमर्शियल पर्पसेस के लिए रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं जी, और वहाँ पे रात में बैठ के बादशाही मस्जिद का जब नज़ारा होता है, व्यू होता है, और आप वहाँ बैठ के जनाब खाना खाते हैं, तो ये बहुत ही दिलफरेब मंजर होता है। बिल्कुल ऐसी बात ही है, और इसमें भी जो है ना वो कमर्शियल एस्पेक्ट की भी आपने बात की, आपका अपना ज़ाती घर है, आप उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगेन जो टेबल आपके पास मौजूद है वही रह के आपने ऊपर जानी है, और साथ में आपने कुछ प्लांटेशन वगैरह थोड़ी सी करके उसकी थोड़े सा ख्याल रखना है, एंड यू आर ऑल सेट। और मक्खियों को आप एक दिन के लिए छुट्टी भेज दें, मक्खियों को एक दिन के लिए छुट्टी में भेज दें, उसके भी बड़े सारे तरीके हैं। तो वो अच्छा, उसके भी तरीके हैं जी 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 बिल्कुल। ऑलराइट, के मक्खियां तंग ना करें, तो वो मॉस्किटोस रिपेलेंट भी आ जाते हैं, मक्खियों से भी कराने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस मिलती हैं, तो वो मक्खियों को भगा देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली तस्वीर की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो अभी हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट की बात करे थे, तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा बजट हमें किस चीज़ की क्या चीज़ अलाउ करता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है वो एकदम से शहर के अंदर बनना शुरू हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाउसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगेन इस तरह की अगर स्पेसेस हम छत के ऊपर अपने प्रोवाइड करें तो वो जो छत है वो यूटिलाइज भी हो जाएगी, और जो सारी की सारी कम्युनिटी है जो उस बिल्डिंग में रह रही है, क्योंकि हर अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उनका एक अपना डेडिकेटेड पार्क हो या अपनी डेडिकेटेड कोई इस तरह की स्पेस लॉन हो, स्पेस हो। एग्जैक्टली, लेकिन ये जो कम्युनल स्पेसेस होती हैं यही एक अपार्टमेंट को अच्छा रेंट लेने के लिए और अच्छे तरीके से उसको सेल करने के लिए इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड टू लुक एट, ग्रीनरी भी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला जो स्लाइड है, मैं थोड़ा सा मौसम के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप जिस जगह पे रहते हैं तो किस तरीके से जो है ना वो उस मौसम के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो छत है उसको जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है ना वो आप कोई हीटर रख सकते हैं, कोई ताकि वहाँ पर कोयला जले या कोई आग लगे, ताकि फिर जो है ना वो एक कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट हो जाए। किसी ऐसी जगह पर आप रहते हैं जहाँ पर आपको शेड की ज़रूरत है, धूप ज़्यादा होती है, तो फिर जो आपकी जो राइट साइड वाला इमेज है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कवरिंग भी आ गई, और साथ साथ जो है वो कोई ना कोई आपको सूरज के रुख पे उन्होंने प्लांट्स लगा लिए ताकि जो सूरज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। बिल्कुल, तो हम इसे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो है वो एक पाकिस्तान की एग्जांपल है। अब ये जो साहब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो है वो पूल क्रिएट किया है अपने छत पे, अपने रूफ टेरेस पे, और उस पर आप देख सकते हैं कि वो सेटिंग स्पेस भी है उसके साथ, कॉन्स्टेंटली बाहर से आपको नज़ारा भी नज़र आ रहा है। और जो लेफ्ट साइड वाला इमेज है उस पर अगर आप टॉप पे ऊपर की तरफ देखें तो वो मार्गला की पहाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस जी। तो ये एक इतनी इंटरेस्टिंग सी स्पेस हो जाती है छत से, तो ये मुझे लगता है कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद का घर, इस्लामाबाद का घर है। बिल्कुल ऐसा ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो ये वन फैमिली यूनिट है और वो खर्चा किया भाई ने, खर्चा किया है। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, तो हम सिटिंग स्पेस की बात कर रहे थे, तो अगेन किस तरीके से हम लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए और सिटिंग स्पेसेस प्रोवाइड करके ताकि जब भी बंदा छत इस्तेमाल कर रहा हो तो उसके लिए जो ना वो कंड्यूसिव किस्म की जगह हो जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठ सके, क्योंकि अगर कंफर्ट नहीं होगा तो वो फिर जो जगह है ना वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, और कंफर्ट के लिए है कि जी रोशनी भी हो वहाँ पे, ग्रीनरी भी हो और कोई बैठने की जगह भी हो,
तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं और ये सारी कोई बहुत बड़ी बड़ी छतें नहीं है। ये वैसे राइट साइड वाली तो मुझे अपनी छत लग रही है, आपने देखी हुई है। जी जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा सही मंजर होता है। बिल्कुल ऐसा ही मंजर होता है, जबरदस्त व्यू होता है और कंफर्टेबल सेटिंग होती है। अच्छा, और अब ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है ना, इसने भी जिंदगी बड़ी आसान कर दी। जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल ग्रास लगाएं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी नहीं है। हाँ। इसकी आपने सिर्फ सफाई का ख्याल रखना है, पानी देने की उसकी कोई जरूरत नहीं है और देखने में आपको बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। बिल्कुल जी, अगली हमारे इमेजेस हैं उसमें जब हम देख रहे थे जी, ये तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट है सेटिंग वाला, वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। और अगेन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लोगों ने अपनी एरिया के हिसाब से जो है वो स्पेस को डिफाइन किया हुआ। बिल्कुल, वेरी नाइस। कुछ और है, वो डेक सा क्रिएट किया हुआ है। अब आपको लगता है कि शायद ये किसी लॉन का ही हिस्सा है, आपको लगता है कि मैं छत पे? बिल्कुल, मैं हर दूसरी तस्वीर पे मेरा सवाल मेरे अंदर उठता है कि ये वाकई छत है, लेकिन मुझे पता है ये छतों का सेगमेंट है। जी, आज तो सारे छत ही होंगे, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ये सब रूफ टॉप्स है। अच्छा, तो ऐसे सोलर पैनल्स का एक बड़ा आजकल पॉपुलर है, क्योंकि एनर्जी जो है उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से चाहे आपकी स्लोप वाली छतें हैं या आपके दफ्तर की, भी मुझे एक एग्जांपल जहन में आ रही है कि किस तरीके से आपकी जो छत है वो सारी स्पेस यूज़ हो सकती है। और आपने सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हुए एक शेड सा उसके ऊपर क्रिएट कर दिए, तो छत उसी तरह है लेकिन आपने 12 फुट के ऊपर जाके उस पर सोलर पैनल लगाया। लेकिन इस वक्त इस तस्वीर पे तो कुछ और हमें मंजर नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें जो है वो स्लोप वाली छत है, लेकिन उस पे जो है ना उन्होंने उसको यूटिलाइज करते हुए उसके ऊपर सोलर पैनल जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, और अरे वाह, ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपार्टमेंट्स के ऊपर इस तरह की स्पेसेस क्रिएट करें या घरों के ऊपर इस तरह की स्पेसेस क्रिएट करें। अब ये एक ऑफिस बिल्डिंग है और ऑफिस बिल्डिंग पे जो है उन्होंने वो एक कम्युनल स्पेस क्रिएट कर दी। तो आप देखेंगे फ्लोर का पैटर्न भी वैसा ही है, जो प्लांटर है वो भी उसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, जो बैठने की जगह है वो भी उसी को कह रही है। और जो लेफ्ट साइड पर इमेज है उस पर आप देख सकते हैं कि जो तीन चार आपको डेस्क से या जो एक थ्री डायमेंशनल से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, वहाँ आपको सारे के सारे ऑक्यूपाई हुए हैं। तो लोग फिर इस तरह की जगह को इस्तेमाल करना पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर कुछ खास चीज़ होगी नहीं, बंदे ने सिर्फ ऊपर जाना है और वहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं है, तो फिर स्पेस उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाती। बट ज़रा सी कोई अमेनिटी देने से, ज़रा सी कोई सपोर्ट देने से जो है ना वो एकदम से वो जो स्पेस है ना वो लाइट अप हो जाती है, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। लो जी, अगर आपके घर में कोई है ऐसी सिचुएशन कि आपने भी अपने छत को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, तो आप हमें ज़रूर तस्वीर खींच के उसकी भेजिए। अच्छा जी, लास्ट नहीं थी ये, या लास्ट नहीं, एक रहती है, ओ एक रहती है तस्वीर, लास्ट इमेज। अच्छा, तो वाह, ये तो मुझे अब्दुल्ला का अपना घर लग रहा है। ये मैंने सबसे लास्ट में इमेज रखा है। और जब भी हमने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की बात की, अभी हमने जो है वो ऑफिस बिल्डिंग्स की बात की, तो मैंने कहा कि साथ साथ हम थोड़ा सा एक नज़र जरा बाकी की बिल्डिंग्स पे भी डाल लेंगे। एक स्कूल की बिल्डिंग है और उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे छत को उन्होंने प्ले ग्राउंड बनाया हुआ। वाह, तो बच्चे जो है वो सारा दिन दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। वाह जी वाह, लाइट भी उसके जो सर्कुलर ओपनिंग्स है वहां से लाइट भी नीचे की तरफ आ रही है। तो वो जो छत है वो इस तरह की यूटिलाइज हुई हुई है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल है तो स्कूल की कोई छत भी होगी, घर है घर की भी कोई छत होगी। चार पैसे तो लग गए ना, पर चीज चंगी बन गई। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। तो जी, जो पहले मैं बात कर रहा था कि आप अपने छत को अगर बिल्कुल मुनफरद अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर तस्वीर खींच के भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और अब्दुल्ला को आने वाले दिनों में हम वो तस्वीर भिजवाएंगे और देखेंगे कि अब्दुल्ला को उसमें कोई यूनिक अपने काम के लिए कोई टिप मिल रही है कि हाँ, डेफिनेटली आई वुड लव टू सी। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्चुरल डिजाइन एलिमेंट के लिए आपके पास इटली की डिग्री हो अब्दुल्ला भाई की तरह, या कहीं बाहर से आप पढ़ के आए हो या आर्किटेक्ट हो, एक आम जहन में भी क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। तो ऐसे बिल्कुल आपने सही बात की, जो इंसान का दिमाग है ना ये इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ ना आपका कभी जहन जाएगा ना मेरा कभी जहन जाएगा कि ये भी कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी और बंदे ने उसके बारे में सोचा हुआ होगा, एग्जीक्यूट भी किया हुआ होगा और वो अच्छे तरीके से चल भी रहा होगा। तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए। इस वक्त कुछ आपके मैसेजेस और तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं, अब्दुल्ला भाई भी साथ हैं, आप भी जरा देखें जी, बताएं लोगों की क्रिएटिविटी कैसी है। इकरा अशरफ ने हमें याद किया है जलालपुर पीरवाला डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से, और इकरा ने हमें तीन तस्वीर भेजी हैं व्हाट्सएप पे। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत ड्राइंग है जी, मार्कर्स का मुझे लग रहा है इस्तेमाल हुआ है जी, है ना जी, मार्कर्स। और कुछ ऐसे भी फूल हैं जो उसमें पिंक भी है और येलो भी है। ओह यस, वाकई ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, है ना जी। और आर्टिस्ट के अपने सिग्नेचर भी है। वाह जी वाह, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल इकरा, शाबाश, जीती रहो आप। मुस्कान फैज, मुस्कान फैज क्लास 5 की स्टूडेंट है मुस्कान,
और इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा लेकिन दो तस्वीर बना के भेजी है। देखते हैं जी क्या है। अरे वाह, डॉल्फिन्स, ब्यूटीफुल। मैं सबीन को बहुत मिस कर रहा हूँ आज शो में, वरना हम सबीन से पूछते कि ये क्या है जी, है ना? बिल्कुल, वो कहती है हाथी है। और जो डॉल्फिन्स की जो प्लेफुल नेचर है ना, वो भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैप्चर की। एग्जैक्टली। और ये जनाब रैबिट, बहुत ही प्यारा, वाह भी वाह मुस्कान, बहुत अच्छी आपने तस्वीर बना के भेजी है। और कंट्रोल रूम कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई लग रहे हैं हमें। अच्छा जी, तैयबा खान बालाकोट मानसेरा से। तैयबा ने हमें भेजी है जी तीन तस्वीर। लो जी, तैयबा का काम आपको दिखाते हैं। वाह जी वाह, बालाकोट की पहाड़ियों पे बर्फ पड़ चुकी है, सैर के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, और ये किसी की छत से ये वाला व्यू भी नजर आएगा। Exactly. तो अगर आप किसी कोई छत को अच्छा करके ये व्यू एंजॉय करें तो क्या बिल्कुल ब्यूटीफुल जी, बहुत खूबसूरत। ये कौन सा फूल है इसके, आपने हमें इसका नाम भी हमें बताना है। आड़ू, ये आड़ू का फूल था वो, वाह। और आड़ू लगे हुए भी हैं। यस यस यस, मैं कुछ सबीन सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम आज सबीन फारूक रखते हैं प्लीज। अच्छा तैयबा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। एम रिजवान, चौक 479 GB। चक, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 479 GB तो चक होना चाहिए, ये चौक नहीं चक है। चक 479 GB, तहसील समुंदरी, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। लो जी, पूरा एड्रेस इन्होंने लिख के भेजा और तीन तस्वीर भेजी हैं, और सबीन की तरफ से आपके लिए तस्वीर आपकी नजर है। लो जी, समुंदरी वालों, बड़ी प्यारी आपने तस्वीर भेजी है, खुश रहो, जीते रहो। वाह जी वाह, अंगूर, वाह 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 वाह, ये माल्टों का बहुत प्यारा गुच्छा। ओह सॉरी सॉरी, अंगूर का गुच्छा। वेरी नाइस। अंगूर तो अब बड़े मजे के होते हैं, और साथ साथ अंगूर का जूस भी अगर आप कभी पिए तो वो जूस भी अंगूर का बड़ा जबरदस्त होता है। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लो जी, ये भी बहुत ही खूबसूरत सीन है। ये क्या मतलब, आप देखिए कितना क्लोजअप में जाके तस्वीरें खींचना, वही आप वाली बात कि आइडियाज किसी के जहन में कभी भी आ सकते आते हैं। और तो आप अक्सर नोट करते होंगे कि फूलों की और नेचर रिलेटेड ना बहुत सारी तस्वीर आती हैं, लेकिन हर कोई इतनी मुनफरद होती है क्योंकि हर दरख्त मुख्तलिफ है, हर फूल मुख्तलिफ है, हर फूल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, वेरी नाइस रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, चार तस्वीर है, और आमना बहुत नाराज है आपसे, हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, कह रही ना अपना नाम लिखा है ना जगह का नाम लिखा है। मैंने कहा चलो आमना कोई बात नहीं, खैर कोई नहीं, पानी का गिलास भी तस्वीरें दिखा दे तो दिखा रही है जी। चले जी देखे, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये कौन सी जगह है, ये आप कौन हैं, आपने कुछ नहीं बताया। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अरे ये देखो, सनसेट की रोशनी कितनी अच्छी उस, ये कैक्टस टाइप पौधा है जिस पे ये लग रहा है कि बस अभी अभी वो जमीन से जो है वो निकला है। एग्जैक्टली, फ्रेश फ्रॉम द फार्म। ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही खूबसूरत शलजम का क्लोजअप है, बल्कि प्रोफाइल पिक्चर है शलजम की, है ना? तो ये शलजम अपने फेसबुक पेज पे ये तस्वीर लगा सकती है, लगा सकता है। आज वाकई सोशल मीडिया सेगमेंट में मैं बिल्कुल सबीन की कमी महसूस नहीं होने दे रहा नाज़रीन को। थैंक यू वेरी मच, आपका जो भी नाम है बहुत अच्छी तस्वीर थी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कुछ मैसेजेस हैं जी जी, वो भी साथ साथ शामिल कर लेते हैं। आरिफ वाला से तलत ने हमें याद किया, कह रहे हैं तो सीख साहब और सबीन आपी, अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत पुरानी व्यूअर हूँ राइजिंग पाकिस्तान की, लेकिन आज पहली दफा मैसेज कर रही हूँ। प्रोग्राम अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सी दुआएं आपकी पूरी टीम के लिए। तलत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फरहान ने फैसलाबाद से याद किया, कह रहे हैं तौसीक भाई, सबीन आपी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तौसीक भाई, आपकी शक्ल यानी मेरी शक्ल मेरे मामू से मिलती है। अच्छा नहीं, वो ओ सॉरी, कंफ्यूजन वो कह रहे हैं तौसीक भाई, आपकी शक्ल मेरे मामू से मिलती है। अच्छा, जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो घर में शोर मच जाता है, मामू आ गए, मामू आ गए, मामू आ गए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मजा तब आए, वो कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि नहीं जी, ये मैसेज अधूरा है, अब आपने अपने मामू की दो तस्वीर भेजनी है ताकि हम तो कंपैरिजन कर सके, फिर हम बताएंगे कि वाकई मामू आ गए है कि नहीं है, है ना जी। शुक्र है सबीन आज नहीं है, वरना उसने कल से मुझे मामू कहना शुरू कर देना था। अच्छा दोस्ती, एक इंटरेस्टिंग बात मैं भी बताता चलूं, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि कहा जाता है कि एक शक्ल के सात लोग दुनिया में हैं। हाँ, तो हो सकता है कि वो जो सेकंड नंबर वाले हैं वो इनके मामू। लेकिन अब जितने लोग मुझसे अपनी शक्ल मिला चुके हैं, तस्वीर भेज चुके हैं, वो मेरे केस में सात नहीं, वो 718 है शायद। लेकिन यस बिल्कुल, आप अपने मामू कीजिए, जरूर हमें तस्वीर भेजिए। सादिया
धोतनवाला से आपने हमें याद किया है। और सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, मैं ये नहीं लिखूंगी कि मैं बचपन से आपको देखती चली आ रही हूँ। हम लोगों ने 5 साल पहले टीवी खरीदा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वेट गेन करने के हेल्दी तरीके और टिप्स दीजिए, मैं वजन बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखिए, मैं आपको पता है कि जिम फिट होने और हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत प्रमोट करता हूँ, लेकिन जब मशवरा देने की बात आए ना, तो मेरा ख्याल है कि जिसका काम उसी को साझे। तो हम आने वाले वीक में डॉक्टर नौशीन तकवी, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली और टीम का हिस्सा है। आपका सवाल हमारी प्रोडक्शन टीम ने नोट कर लिया। अगली बार जब भी डॉक्टर नौशीन आएंगी तो सादिया आपका सवाल हम उनसे पूछेंगे। क्यों अब्दुल्ला? बिल्कुल, मैं भी अभी 10 टिप्स बता सकता हूँ, 11-12 आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो एक्सपर्ट है उसी से हमें, क्योंकि एक मामला काफी रिस्की है, वजन बढ़ाना और वजन कम करना। बिल्कुल, आप आजकल बढ़ाने की तरफ है या कम करने? मैं कम करने की तरफ। कम कर, जरूरत लग तो नहीं रही? ये सिर्फ कोट और स्कार्फ का कमाल है, वैसे तो यू आर फाइन। जी जी नहीं बताएं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगले वाले सेगमेंट में मुझे कोट और स्कार्फ ना पहनना पड़े, टी शर्ट में आया जी, वजन कम करना और वजन बढ़ाना वाकई हर हर घर की कहानी है जी। सानिया बहावलपुर से, अब्दुल्ला भाई का सेगमेंट बहुत मजे का होता है, थैंक यू, बहुत मुफीद आइडियाज देते हैं। अब्दुल्ला भाई से कहें किसी दिन, ये हुई ना बात सानिया, मेरे दिल की बात की आपने। अब्दुल्ला भाई से कहें किसी दिन अपने घर की वीडियो बना के लाएं, वो भी कंप्लीट घर की, छत भी, लॉन भी, कमरे भी। प्लीज मेरा पैगाम प्रोग्राम में जरूर शामिल करें और अब्दुल्ला भाई से पक्का करवाएं, यानी कि आप चले, मेरी तरफ से वादा है इंशाल्लाह जरूर किसी आने वाले सेगमेंट में मैं जरूर आप अपने पिक्चर्स या वीडियोस में जरूर पिक्चर्स मेरा ख्याल है आप बता सके, क्योंकि सब में ये क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है कि अब्दुल्ला भाई का अपना घर कैसा। जी ठीक है जी, वेरी गुड। ज़ैनब गुजरांवाला से मेरी तरफ से राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम। वैसे तो सेगमेंट बहुत अच्छे, बहुत मजा आता है जब से, लेकिन जब कार्टून वाला सेगमेंट आता है और तौसीक अंकल आप सब क्रू के साथ मिलकर टून टून कार्टून की आवाज लगाते हैं, तो हम सब घर वाले बहुत हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। ये थे आपके सोशल मीडिया मैसेजेस अब्दुल्ला मंसूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं प्रोग्राम की रौनक बढ़ती है और मुझे बहुत ज़ाती तौर पर लुत्फ आता है। खुश रहिए, जीते रहिए, हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे साथियों। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हमने कुछ, हमारा भी हक है डांटने का। तौसीक अंकल डांटने लगे हैं उन लोगों को जो आजकल फॉग और स्मॉग की हालत में मोटरवे जब बंद होती है तो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के अहलकारों से झगड़ा करते हैं कि मोटरवे खोलें जी, मैंने फैसलाबाद पहुंचना है, मेरे भांजे का ब्याह है। भाई वो आपकी हिफाजत के लिए मोटरवे बंद की जाती है, लेकिन ये फॉग और स्मॉग की क्या कहानी है, इस हवाले से हम नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के कुछ एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखेंगे कि आने वाले 2 महीने में वो हमें क्या रहनुमाई और क्या गाइडेंस करने वाले हैं। रहिए मेरे और मेरी टीम के साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।